मैं अच्छी लड़ाई लड़ चुका हूँ, अपनी दौड़ पूरी कर चुका हूँ और पूर्ण रूप से ईमानदार रहा हूँ। दूसरा तिमोथी अध्याय 4 वचन संख्या 7। फादर निकोलस डुंगडुंग का जन्म सांत मारिया कैथोलिक चर्च झुनमुर के घुमाडेगा गांव में 13 दिसंबर 1938 को पिता जोहन डुंगडुंग और माता मार्गरेट केरकेट्टा के परिवार में हुआ था। परिवार में वे 3 भाई और 4 बहन थे। उनका प्राथमिक पढ़ाई झुनमुर मिशन प्राइमरी स्कूल में हुई थी। प्राथमिक शिक्षा के बाद वे हाई स्कूल की पढ़ाई 1957 से 1961 तक हमीरपुर बॉयज़ हाई स्कूल में पूरी की। उस समय वे अपोस्तोलिक स्कूल हमीरपुर के छात्र भी थे। 12वीं क्लास समाप्त करने के बाद 1962 ईस्वी में स्वर्गीय फादर मारियन जेला जेकेसबीडी उन्हें सेमिनारी और प्री यूनिवर्सिटी पढ़ाई के लिए संत जेवियर कॉलेज रांची भेजे। इसके बाद 1962 से 1966 उन्होंने दर्शन शास्त्र सेंट आल्बर्ट्स कॉलेज रांची में पूरी की। दर्शन शास्त्र पूरी करने के बाद धर्म प्रांत लौटकर 1966 से 1967 तक कुसुमडेगी हाई स्कूल में रीजेंसी किए। इस दौरान वे कुसुमडेगी हाई स्कूल के शिक्षक, हॉस्टल इंचार्ज और स्कूल ऑफिस में क्लर्क के काम करते थे। एक साल रीजेंसी के बाद 1967 से 1971 सेंट आल्बर्ट्स कॉलेज रांची में इस शास्त्र पूरी की। इस शास्त्र पूरी करने के बाद 30 मार्च 1970 में उनका उपयाजक अभिषेक सेंट आल्बर्ट्स कॉलेज रांची में हुआ। 15 नवंबर 1970 में उनका पावन पुरोहित अभिषेक तत्कालीन माननीय स्वर्गीय बिशप हेरमन वेस्टर्नमैन एसवीटी के कर कमलोंग में सांत मारिया कैथोलिक चर्च झुनमुर में संपन्न हुआ। पुरोहित अभिषेक के तुरंत बाद फादर निकोलस का नियुक्ति 1971 से 1975 तक कुसुमडेगी पल्ली के सहायक पुरोहित के रूप में हुआ। 1975 से 1979 केसरामाल हाई स्कूल में सचिव थे। 1979 से 1985 तक फलसा पल्ली के पल्ली पुरोहित के रूप में काम किए। 1985 से 2000 साल तक एक लंबी समय करीब 15 साल धर्म प्रांत के कोषाध्यक्ष के रूप में काम किए। इसके बाद 2000 से 2001 तक धर्म प्रांत के जमीन और भवन निर्माण का कार्य प्रभारी थे। 2001 से 2008 तक केसरमल पल्ली के पल्ली पुरोहित थे। 2008 से 2015 वे सिंगर मुंडा पल्ली के पल्ली पुरोहित के रूप में काम किए। 2015 से 2020 वे डाइसियन माइनर सेमिनरी दिव्य निलय वेल्डी में आध्यात्मिक निर्देशक थे। 2020 से 2024 वे बिशप हाउस हमीरपुर में थे। फादर निकोलस डुंगडुंग एक स्वस्थवान व्यक्ति थे, लेकिन उम्र ढलने पर धीरे धीरे उनका स्वास्थ्य में कमजोरी आने लगी। 31 मई 2024 को फादर निकोलस अपने में अस्वस्थ महसूस किए। फादर विजय कुमार कुजूर फादर निकोलस को तुरंत मिशन हॉस्पिटल सान नुआगा में भर्ती कराया और उनका इलाज शुरू हुआ। 31 अगस्त 2024 से उनका स्वास्थ्य में गिरावट होने लगी और वे 10 सितंबर 2024 भोर 6:45 को आखिरी सांस लेकर प्रभु में विलीन हो गए। उनके निधन पर हम सभी, हमारे बिशप
किशोर कुमार गुजुर, पुरोहितगण, धर्म समाजी भाई और बहनें, परिवार के सभी सदस्यगण और विश्वासी भाई बहनें दुखी हैं और संवेदना प्रकट करते हैं। फादर निकोलस का जीवन हम सबों के लिए प्रेरणादायक है। वे स्वभाव से नम्र थे, कठिन परिश्रमी थे, अपने कर्तव्यों को सही समय और सही रीति से करते थे, प्रार्थनामय जीवन बिताते थे। अवसर प्राप्त करने के बाद दिन भर रोजरी प्रार्थना करते थे। उनका प्रार्थनामय जीवन और समर्पित जीवन हम सबों के लिए अनुकरणीय है। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन ईश्वर और लोगों की सेवा में समर्पित कर दिए। आज वे हमारे बीच नहीं रहे। ईश्वर स्वर्ग राज में उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें।